हमारे इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो सरकार ने यह बीड़ा उठाया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम पूरा किया जाए। श्री नरेंद्र मोदी ने जिस उदारवाद की धारा बहाई है उस उदारता को लेकर चलो सब, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सूरज का अभिनंदन करो और इस समाज को सबको मिला। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चुनाव के समय ही सही लेकिन खुद को ओबीसी बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको 2018 में संवैधानिक दर्जा मिलने का ढिंढोरा पूरे देश में पीटा गया, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल पिछड़े वर्ग के हर मुखौटे ने बकायदा होर्डिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सदन में दिए गए अपने भाषणों के माध्यम से इसका श्रेय लेने की कोशिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पिछड़े वर्ग का पुरोधा बताते हुए कहा। संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया, अब पिछड़े वर्ग की सारी दुख दर्द तकलीफें दूर हो जाएंगी। अफसोसजनक बात यह है कि वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पिछले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, बल्कि 8 महीने से खाली पड़ा है। ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना ही वहां कोई सदस्य है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ खड़े पिछड़े वर्ग के तमाम सारे मुखौटे, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे हुकुम देव नारायण यादव हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य, सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शान में कसीदे गड़े। तमाम सारे पिछड़े वर्ग की जाति के नेताओं से सबका ध्यान रखा गया कि उसमें निषाद भी आ जाएं, गुर्जर भी आ जाएं, जाट भी आ जाएं, कुर्मी आ जाएं, यादव आ जाएं, मौर्य आ जाएं। सब नेताओं से धन्यवाद दिलवाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने पिछड़ों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हालांकि ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में ये दर्जा मिला था तो उसका ढिंढोरा पिटना चाहिए, मगर जब 8 महीने से ये महत्वपूर्ण पद खाली है और उस समय बताया गया था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़े वर्ग की जिंदगी कैसे बदल देगी, उसके साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, शिक्षक भर्ती, प्रोफेसर भर्ती, बैंक में भर्ती, सबका सॉल्यूशन यही संवैधानिक दर्जा है, तो इतनी महत्वपूर्ण चीज को ओबीसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में खाली क्यों छोड़ा गया है? कहां चले गए अब वो पिछड़े वर्ग के मुखौटे जो अपना अपना श्रेय लेने की होड़ में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, पटना में, दिल्ली में जगह जगह होर्डिंग लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शान में कसीदे गड़ रहे थे। खैर, 28 फरवरी 2019 को बिहार से आने वाले भगवान लाल साहनी नाम के एक प्रोफेसर की चेयरमैन के पद पर नियुक्ति की जाती है। डॉक्टर लोकेश प्रजापति को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। कौशलेंद्र सिंह पटेल, सुधा यादव, आचारी थल्लोज, इन तीन लोगों को सदस्य बनाया जाता है। अगर प्राथमिक तौर पर देखें तो बेहद कमजोर आयोग बनाया गया था क्योंकि इससे पहले जस्टिस वी ई सुरैया, जस्टिस राम सूरत सिंह और तमाम सारे अन्य जस्टिस और मजबूत लोगों को इसका चेयरमैन बनाया जाता था, मगर आयोग को संवैधानिक दर्जा तो दिया लेकिन अपेक्षाकृत कमजोर और अनुभवहीन लोगों को इस आयोग में सदस्य और अध्यक्ष बनाया। सोचिए, भला एक प्रोफेसर की हिम्मत पड़ सकती है क्या कि एक चीफ सेक्रेटरी को बुला करके पिछड़े वर्ग का रोस्टर ठीक ना करने को लेकर के या अन्य मामलों पर डांट फटकार लगा सके? वैसे ही जितने सदस्य बनाए गए थे उनमें किसी को भी इस तरह का कोई विशेष अनुभव नहीं था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस उद्देश्य से बनाया था उस उद्देश्य में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुई, उसने कमजोर समझ करके बनाया था, लेकिन ये लोग तो अपनी क्षमता के मुताबिक पिछड़े वर्गों के लिए काम करने लगे। क्रीमी लेयर में संशोधन की बात हो या ओबीसी के बंटवारे की बात, उसमें इन्होंने अपना पक्ष पूरी दमदारी के साथ रखा। 69,000 शिक्षक भर्ती में डॉक्टर लोकेश प्रजापति ने जिस तरह का जजमेंट दे दिया उसी जजमेंट को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में तब क्या अभी तक लगातार आंदोलन चला रहे हैं और सरकार बैकफुट पर नजर भी आ रही है। कौशलेंद्र सिंह पटेल जैसे लोगों ने उच्च शिक्षा में तमाम सारे नोटिस दिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की तमाम गड़बड़ियों पर, बैंक में तमाम गड़बड़ियों पर भी लगातार नोटिस दिए,
अपेक्षा अनुरूप जिस तरीके से संवैधानिक दर्जा मिला था उतना काम नहीं कर पाए। लेकिन सरकार इन लोगों को जितना कमजोर मान करके चल रही थी उससे ज्यादा काम इन लोगों ने करके दिखाया, चाहे केंद्रीय विद्यालय का मामला हो या रोस्टर का मामला या आरक्षण का मामला। शायद इसी वजह से 1 मार्च 2022 से ये पद लगातार खाली चले आ रहे हैं। सरकार को अगर वास्तव में पिछड़े वर्ग की चिंता होती तो इन लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता था, या नहीं बढ़ाना था तो अन्य लोगों की नियुक्ति की जा सकती थी। लेकिन विशुद्ध रूप से यह पॉलिटिकल मामला तब भी था और अब भी है, नियुक्ति की जाएगी। लेकिन 2024 के चुनाव के नजदीक, ताकि फिर से ढिंढोरा पीटा जा सके, पिछड़े वर्ग के तमाम सारे मुखौटों को फिर से बाहर निकाला जा सके, पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को बेवकूफ बनाया जा सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से ओबीसी बताया जा सके। खैर, इस मुद्दे को उठाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भले ही दंत विहीन संवैधानिक दर्जे वाला आयोग हो, लेकिन कुछ डर तो रहता है, कहीं नोटिस भेज देते हैं तो कुछ लोगों का तो भला हो ही जाता है। ऐसे में इस आयोग में लगातार नियुक्तियां रहनी चाहिए, इस आयोग को लगातार क्रियाशील रहना चाहिए। नेशनल जनमत सिर्फ इतना ही चाहता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।